Hey, me fans, we at Redmi India are working very hard to bring the ultimate flagship killer, K20 and K20 Pro. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं Redmi के K20 और K20 Pro के बारे में। तो यहाँ पे मनु कुमार जैन यहाँ पे ट्विटर पे उन्होंने कुछ पोस्ट किया और यहाँ से कंफर्म हो जाता है ये फ़ोन जल्दी लॉन्च होने वाला है। वहाँ पे कुछ बात की इसी फ़ोन से रिलेटेड जो कि इंडिया में जल्दी आने वाला है, ये कुछ बताया उन्होंने और यहाँ पे उसका लॉन्च डेट के बारे में भी कुछ बताया जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में तो बताने ही वाला हूँ, साथ में इसका स्पेसिफिकेशन भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, प्लीज़ गाइज एंड तक ज़रूर देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो मनु कुमार जैन ने वीडियो पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर, वहां से इसके लॉन्च डेट के बारे में पता लग जाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसी भी न्यूज आई कि बैनर भी लगवाया गया रेडमी K20 और K20 Pro का इंडिया में। गाइस जी हां गाइस, बैनर भी लगाया गया जैसे कि आप अब इमेज में देख सकते हो। तो यहाँ से काफी ज्यादा साफ हो जाता है ये फोन जल्दी हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और इसी नाम से आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, जैसे कि रेडमी का K20 और K20 Pro। तो अब गाइस हम फटाफट से बात करते हैं फोन के स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको जैसा कि सेम Redmi का K20 और K20 Pro में डिजाइन देखने को मिला था, 3D ग्रेडिएंट बैक देखने को मिली थी ग्लास वाली, वैसे ही कुछ आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें फोन के डिस्प्ले साइज की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6.39 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड का स्क्रीन K20 Pro में, और आपको K20 में साइज फुल HD प्लस का स्क्रीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाली है और पॉपआउट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। जैसे कि आपको पता है Redmi का K20 में आने वाला है स्नैपड्रैगन 730 और यहाँ पे Redmi का K20 Pro में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 850 वाला चिपसेट जो कि गेमिंग में काफी अच्छा है। दोनों ही प्रोसेसर काफी अच्छा निकल कर आते हैं और एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये आने वाला एंड्रॉइड क्यू बेटा और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा MIUI 10 का OS। पहले एंड्रॉइड पाई में आएगा, फिर आपको एंड्रॉइड क्यू बेटा का प्रोग्राम का ऑप्शन देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में आपके फोन में। यहाँ पे ये लॉन्च होने वाला 6GB वाला इनिशियल रैम वेरियंट्स में। अब बात करते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आने वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें कि 48 MP का मेन कैमरा होने वाला विद सोनी का IMX586 वाला सेंसर। यहाँ पे 13 MP का वाइड एंगल कैमरा होने वाला, 8 MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 20 MP का पॉपआउट सेल्फी कैमरा जो कि काफी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आने वाला 4000 mAh की बैटरी, यहाँ पे क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4+ मिल जाता है, मतलब कि आपको यहाँ पे 27 W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। और साथ ही गाइस जिसमें आपको देखने को मिलेगा टाइप सी का पोर्ट और 3.5 mm हेडफोन जैक। तो बस गाइस ये था उसके स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको फटाफट से बता दिया है। तो यहाँ तक वीडियो देख लो जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब बात करते हैं फोन के प्राइसिंग के बारे में जिसके लिए काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस हो सकता है Redmi का K20 17 से 18 हज़ार हो सकता है और Redmi का K20 Pro हो सकता है 25 से 26 हज़ार, जैसे कि चाइना में लॉन्च होता है उसी प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करें इसके फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो यहाँ पे ऐसा बताया मनु कुमार जैन ने उस वीडियो में कि 6 हफ्ते में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो अगर कन्वर्ट करते 6 हफ्ते को मंथ्स में तो यहाँ पे आता है 1.5 महीना। तो यहाँ पे 1.5 महीना लग सकता है ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होने को। मेरे को लगता है आपको जून के एंड या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में ये देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, और क्या अच्छा लगा Redmi का K20 Pro में वो भी कमेंट करके बता देना। और गाइस चैनल पे नहीं आए तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तो बस गाइस यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।